अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ, जो ठंडों का मौसम होता है इसमें बॉडी जल्दी बनती है, मसल्स गेन फास्ट होती है ठंडों के मौसम में। इसके पीछे का कारण यह है, सबसे पहला कारण तो ठंडों के मौसम में हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट पर होता है जो कि बॉडी बनाता है, और दूसरा कारण ठंडों के मौसम में ऐसे फूड आते हैं जो कि प्रोटीन से कैल्शियम से भरपूर होते हैं जो कि कम ही समय में हमारी बॉडी को उठा देते हैं। और आज मैं कुछ ऐसे चार फूड आपको खाने के बताने वाला हूँ जो कि आपकी बॉडी की मसल्स गेन फास्ट करेंगे, बस खाने का तरीका आपको समझना है बस। ब्रेकफास्ट, मक्की की रोटी विद दाल। जैसा कि ठंडों के मौसम में मक्की की रोटी शायद आप खाते ही होंगे, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू करो। जो आप मक्की की रोटी खा रहे हो उसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन या फिर दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में दाल खाने की कोशिश करें। साग भी खा सकते हो लेकिन हर दूसरे दिन मक्की की रोटी के साथ दाल जरूर खाएं ब्रेकफास्ट में। मक्की की रोटी के साथ जब हम दाल खाते हैं तो एक भरपूर मात्रा में प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। पहले हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो ऐसे ही खाते थे, सुबह के समय कभी मक्की की रोटी के साथ दाल खा ली, कभी मलाई खा ली, कभी बाजरे की रोटी के साथ साग, और जो चीज़ मैंने नोटिस करी वो सब अपने ब्रेकफास्ट को पावरफुल रखते थे। और आप जानते हो उनका शरीर कितना लंबा चौड़ा हुआ करता था, मसल्स गेन भी अच्छी होती थी, वेट गेन भी अच्छा होता था। तो ब्रेकफास्ट में अगर आप ये सब खाते हो बदल बदल कर तो भाई आपकी मसल्स गेन फास्ट होगी। उसके बाद अब जो मैं आपको दूसरा फूड बताने वाला हूँ इसको आपको दिन में दो बार खाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन प्रोटीन से भरपूर है। आपको चाहिए होगी 100 ग्राम मूंगफली, साथ में एक मूंगफली का गजक, गुड़ गजक होता है जो, और एक तिल की पट्टी, 5 बादाम, ये सब आपके आसपास आराम से मिल जाएंगे। तो ये मिक्स करके आपको खाने हैं चबा चबा कर। ये आपकी बॉडी को बिल्कुल श्रेड कर देंगे बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब जैसे प्रोफेशनल बॉडी होती है ना, जैसे आप देखते हो वैसी बॉडी बनाएगी आपकी, आपकी मसल्स ग्रोथ करेंगे और जो फालतू का फैट होगा, जो आपका एक्स्ट्रा फैट होगा वो मसल्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। ये आपका कंप्लीट प्रोटीन है, आपकी मसल्स बहुत अच्छी गेन होगी इसको खाने से, और स्टेमिना भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसको आप सुबह 10 बजे और वर्कआउट से एक घंटे पहले शाम को खाने की कोशिश करें, मतलब दिन में दो बार खाने की कोशिश करें। वर्कआउट से एक घंटे पहले इसको खाने पर वर्कआउट के समय जो आपको एनर्जी मिलेगी वो गजब की होगी, क्योंकि इसमें जो फैट है वो बढ़िया, मतलब वो वाला फैट नहीं है जो चर्बी करता है, नहीं, इसका फैट है वो आपको अच्छी एनर्जी देगा। इसके अंदर जो कार्ब्स है वो भी आपको अच्छी एनर्जी देगा, और जो प्रोटीन है वो आपकी मसल्स को ग्रो करेंगे वर्कआउट से पहले एक घंटा पहले। उसके बाद तीसरे नंबर पर है शिलाजीत। शिलाजीत बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले शरीर की पुरानी से पुरानी कमजोरी को दूर कर देती है, और ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बूस्ट करती है जिससे आपका मसल्स गेन फास्ट होगा। अब बात करते हैं शिलाजीत कौन सी लें, तो भाई शिलाजीत आप ले सकते हो मैन मैटर की, जो कि 100% हिमालयन शिलाजीत है, सेफ है, प्योर है। और जो खास बात है इसकी वो ये कि इसके अंदर आपको अश्वगंधा, गोक्षुरा, ये सब आपको इसी के अंदर मिक्स मिल जाएंगे। आपको 100% ये वेजिटेरियन मिलेगी, कोई केमिकल इसके अंदर नहीं है। इसको लेने से आप देखोगे कि आपकी स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल, स्टेमिना सब बढ़ेगा धीरे धीरे, और मसल्स गेन भी होगा। लेने का तरीका सिंपल है, एक बूंद सोने से पहले दूध में डालकर आपको लेनी है। इसके अलावा मैन मैटर के पास हेयर एंड स्किन की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है, और फ्री में आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो, और आप जो भी मतलब आपको प्रॉब्लम है उसकी जानकारी आप डॉक्टर से फ्री में ले सकते हो। और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर इसको चेकआउट कर लो, बाय कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट है वो है भुना चना विद खजूर। भुना चना आपको आसपास कहीं भी मिल जाएगा, विद खजूर ले लें आप, कितना है? मतलब जितना आपको सही लगे, 50 ग्राम तक बहुत है, 50 से 70 ग्राम लो और 2-4 खजूर लो, इसको साथ में खाओ समय निकाल कर, या तो डिनर में या फिर मतलब जब भी शाम को कभी भी आपको समय लगे तब आप इसको खा सकते हो। भाई एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आपकी प्रोटीन की मात्रा को पूरी करेगा, और इसके अंदर जो सबसे खास बात है वो ये कि इसके अंदर स्टैमिना खूब मात्रा में आपको मिलेगा, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, क्योंकि चने के अंदर आयरन होता है। आयरन से क्या होता है, आपका स्टैमिना इंक्रीज होता है। जब आयरन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ेगी तो आपके अंदर स्टैमिना बनेगा, वो स्टैमिना कोई भी हो सकता है, पुशअप का स्टैमिना, पुलअप का स्टैमिना, भागने का स्टैमिना, लड़ने का स्टैमिना, ठीक है, स्टैमिना इंक्रीज होगा बस आपका, वो स्टैमिना जो है वो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी साथ में, ठीक है। और चने की जो खास बात होती है वो ये कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी साथ साथ में बढ़ाता है, तो ये भी ज़रूर खाएं आप समय निकाल कर कभी भी, ठीक है। तो ये बस ये जो मैंने आपको चार फूड बताए ये बहुत है आपकी मसल्स गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए, बस समय निकाल कर इनको खाने की कोशिश करें। बाकी मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।